हेलो जी, गोप ब्लॉगर का नमस्कार। कैसे आप सभी? तो दोस्तों, आज 5 मई को केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आज की जानकारी आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम के मौसम के बारे में। तो दोस्तों आज की सुबह केदारनाथ धाम का मौसम साफ है, और आज भी धूप निकली है। इस समय कोई बर्फबारी नहीं हो रही है और आज यात्रा सुचारू रूप से चालू है। वहीं दोस्तों दूसरी अपडेट के बारे में बात करें तो कल जो भैरव गधेरे के पास एवलांच गिरने से यात्रा मार्ग बंद हुआ था, उसे SDRF टीम ने पूरी तरह से साफ कर दिया है, और आज घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू पैदल यात्री के लिए मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है। वहीं दोस्तों तीसरी अपडेट के बारे में बात करें तो बदलते मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पंजीकरण को उत्तराखंड सरकार ने 8 मई तक रोक लगा दिया है। अब यात्री लोग 8 मई तक यात्रा पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। वहीं दोस्तों चौथी अपडेट के बारे में बात करें तो 25 अप्रैल से अब तक कुल 1,23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किया है। वहीं दोस्तों पांचवी अपडेट के बारे में बात करें तो पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 5 मई से लेकर 10 मई तक केदारनाथ धाम के लिए 1,26,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। तो दोस्तों एक बात तो साफ है, केदारनाथ धाम में भीड़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए दोस्तों आप केदारनाथ धाम पहुँचते ही सबसे पहले कोशिश करें कि अपने होटल और कमरे बुक कर लें, क्योंकि भीड़ में होटल कमरे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब केदारनाथ यात्रियों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, केदारनाथ धाम में भीड़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसी को देखते हुए बाबा के भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए केदारनाथ मंदिर में दर्शन का समय 1 घंटा और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। और यह जानकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्यधिकारी रमेश चंद्र तिवारी ने खुद दिया है। तो दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है कि श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए मंदिर समिति के तरफ से व्यवस्था किया जा रहा है, इसलिए मंदिर का दर्शन का समय 1 घंटा और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को थोड़ा राहत मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो थोड़ा खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपको कतार में थोड़े कम टाइम के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और आपको थोड़ा जल्दी ही बाबा जी के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। वहीं दोस्तों अब केदारनाथ धाम में आगे मौसम के बारे में बात करें तो 2-3 दिन मौसम और थोड़ा बिगड़ सकता है। 8 मई के बाद मौसम थोड़ा अनुकूल होना शुरू हो जाएगा, और उम्मीद है 15 मई तक मौसम पूरी तरह से समान हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी केदारनाथ धाम का आज का सभी लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री केदार, हर हर महादेव।